नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ माँ सूर्या देवी मंदिर चोरगलिया की तरफ। चलिए मेरे साथ। अभी हम प्राइमरी स्कूल के पास पहुंच चुके हैं, यहां से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम पंचायत घर चौराहे के पास पहुंच चुके हैं। ये गोलापार स्टेडियम को जाने वाला रास्ता है, जहाँ से हम हल्द्वानी की ओर जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं देवला मल्ला पे। अब हम पहुंच चुके हैं कौरपुर। यहाँ पे भी एक रास्ता है। यहाँ पे जो रास्ता है ये पुल से कट जाता है, पुल के बगल से ही सीधे हाथ की तरफ निकल जाता है और ये भी कौरपुर पे जाके मिलता है। अब हम पूरन सिंह मोहन सिंह इंटर कॉलेज पे पहुंच चुके हैं।
उसके बाद हम पहुंचने वाले हैं दानी बंगर। दानी बंगर के बाद पड़ता है चोर गलिया।
और ये एक पुल बन गया है और आगे शेर नाला है। ये यहाँ पे शेर नाला है तो इसमें बरसात में पानी आ जाता ना, काफ़ी पानी आ जाता है, जिस कारण यहाँ पे चल पाना मुश्किल हो जाता है और कभी कभी तो बस आदि भी पलट जाती हैं, आपने देखी होंगी। और ये देखिए हम पहुंच गए सूर्या देवी मंदिर को जाने वाले रास्ते के वहाँ पर। हम यहाँ से अंदर को जा रहे हैं, यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर अंदर जंगल में सूर्या देवी मंदिर है। अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो सूर्या देवी मंदिर जो है ना, यहाँ का ग्राम्य देवी का मंदिर है जो कि बेहद खूबसूरत है। पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, नदी के किनारे है और छोटा सा मंदिर है लेकिन इसकी महत्ता बहुत है।
यहाँ पर सही है यार। तो हम सूर्या देवी मंदिर पहुंचने वाले हैं। ये देवी माँ का बहुत ही सुंदर और पुराना मंदिर है, ग्राम्य देवी का मंदिर हुआ तो इसकी बड़ी महत्ता है। यहाँ के लोग ना, ग्रामीण जो लोग हैं, इस मंदिर को काफ़ी मानते हैं। वैसे इस मंदिर के लिए काफ़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए। बाकी इस मंदिर के बारे में ना काफ़ी मान्यताएं हैं। देवी सबका भला करती है, लोग यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। सूर्य देवी मंदिर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 5-6 किलोमीटर अंदर, ज़्यादा भी हो सकता है, अंदर जंगलों में नदी के किनारे बसा हुआ है। यह रहस्यमय देवी माता का मंदिर है। माना जाता है कि ये एक चमत्कारी मंदिर है। माँ सूर्या देवी मंदिर बाढ़ आने पर पूरी तरह से डूब तो जाता है, लेकिन पानी कम होने पर ज्यों का त्यों रहता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब के समय अपनी कुलदेवी की ज्योति जलाकर पहाड़ों की तरफ आए, तो जब वो चोरगलिया में एक पेड़ के नीचे पहुंचे तो वो ज्योति बुझ गई, तो उन लोगों ने उस देवी को वहाँ पर ही स्थापित कर दिया और मन्नत मांगी कि हमारा सब कुछ ठीक हो गया तो हम वहाँ पर आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे, और वो वहाँ से चले गए। ये हम सूर्या देवी प्रांगण में पहुंच चुके हैं। इस मंदिर में कोई भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है तो माँ उसकी मुराद को जरूर पूरा करती है। घने जंगलों के बीच होने के कारण भी माता के मंदिर में बहुत श्रद्धालु आते हैं। देखा गया है कि मंगलवार को और शनिवार को ज्यादा भक्त आते हैं। आसपास से ग्रामीण क्षेत्र के लोग
पूरे गांव वाले एक साथ आकर माँ सूर्या देवी की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कभी कभी शेर भी माता के मंदिर में आते हैं और गरजते हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हल्द्वानी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में ग्वाला पार करके चोरगलिया नाम की जगह में यह मंदिर स्थित है। मां सूर्या देवी का मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग से 5 किलोमीटर जंगल के अंदर जाकर नदी के किनारे विराजमान है। सूर्या देवी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो बिल्कुल जंगलों के बीच में, यहां कर आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहने वाली नदी में आप सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मछलियां देख सकते हैं। अब हमने दर्शन कर लिए हैं सूर्य देवी मंदिर के। इसी के पास कुछ दूर पे करीब 500 मीटर पे बाबा नौमीदास का आश्रम भी है, जिसको बाबा की कुटिया भी कहते हैं। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, बहुत पहले, तो जब भी पहले भी आते थे कुटिया पर ज़रूर आते थे। आज भी हम कुटिया की तरफ जा रहे हैं।
और ये हम कुटिया पे पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर जगह है और शांत जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह है। आप यहाँ पे ध्यान कर सकते हैं। ये देखिए ये अच्छा मंदिर बना हुआ है, काफ़ी बढ़िया मंदिर है। जब भी आप मंदिर आए ना तो यहाँ पे ज़रूर आएँ और इसे देखें, आपको असीम शांति प्राप्त होगी। जब भी आए बंदरों का आतंक सा है तो बंदरों से बच के रहें। ये आपका सामान ले जा सकते हैं तो थोड़ा बच के रहें। बाकी जंगल में गाँव में गाँव की दुकान दाई थोड़ी है, जंगल में जाना तो पगला खेला 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 खेला